हेलो फ्रेंड्स, आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, द एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज 28। द फर्स्ट नंबर इज हाफ द सेकंड एंड थर्ड नंबर इज ट्वाइस द सेकंड, देन द थर्ड नंबर इज। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एवरेज है तीन नंबर्स का, 28 एवरेज है, ठीक है। और पहला नंबर है वो हाफ है सेकंड के, और जो थर्ड नंबर है वो ट्वाइस है सेकंड के, ठीक। तो हमसे कहता है कि जो थर्ड नंबर है वो फाइंड आउट करके बताओ क्या होगा। फर्स्ट नंबर अगर यहाँ पे फर्स्ट नंबर अगर उसको मान ले हम कि x है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर इज हाफ ऑफ सेकंड, मींस ये 2x हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से जो थर्ड नंबर है वो क्या हो जाने वाला है, थर्ड नंबर इज ट्वाइस द सेकंड, इट मींस वो 4x हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में दे रखा है इन तीनों का जो एवरेज है वो कितना है, 28 है, और हमसे पूछ क्या रहा है कि 4x की वैल्यू बताओ। थर्ड नंबर पूछ रहा है ना, 4x की वैल्यू बताओ। तो एवरेज से हम क्या करेंगे कि x प्लस 2x प्लस 4x जो सम होगा इन तीनों नंबर का वो कितने के बराबर हो जाएगा, 28 इंटू 3 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे जो 4x प्लस 2x और x को ऐड करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, 7x आएगी, दैट इज इक्वल टू 28 इंटू 3। एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है, 28 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 4 जा होता है 28, मींस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। x की वैल्यू 12 आ रही है, तो यहाँ थर्ड में अगर थर्ड नंबर फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू क्या है, 4x, 4 इंटू एक्स की वैल्यू 12, दैट इज इक्वल टू 48। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जो थर्ड नंबर है उसकी वैल्यू कितनी है, 48 है।